माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल पर मैंने क्लिक किया और आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों स्केल टू फिट। स्केल टू फिट क्या होती है, इसका उपयोग हम लोग कब करते हैं, जैसे कि मेरे पास डाटा एक पेज से दूसरा पेज में चल जा रहा है, तीसरा पेज में चल जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि एक पेज में कर दें, या आपका डाटा एक पेज में बहुत छोटा है, आप चाहते हैं कि पूरा फुल पेज में डाटा आ जाए, तो इसके लिए मैं हम लोग इस स्केल टू फिट का यूज करेंगे। जैसे मैंने कंट्रोल F2 कीबोर्ड में प्रेस किया, इसका मैं फिर भी मेरे पास आ गया, तो इसका डाटा जो है, इसका डाटा सबसे पहले देखिए मैथ का बार टोटल है, ये भी कट रहा है और नीचे का भी डाटा आपको कट रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा ये दो पेज में आपको, ये आपको आपको दो से चार पेज में आपको शो कर रहा है, इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए यानी कि ये थोड़ा सा डाटा यहाँ चला गया, थोड़ा सा डाटा तीन पेज में चला गया, थोड़ा सा डाटा आपको दो पेज में चला गया, थोड़ा सा डाटा आपको एक पेज में चला गया, यानी कि चार पेज में ये डाटा आपको चला गया। तब हम इसको यूज करेंगे स्केल टू फिट का, ठीक है। इससे पहले मैं आपको प्रिंट का एक वीडियो बनाया था, अगर प्रिंट वाला आप वीडियो देख लेते हैं तो सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको टोटल समझने में बहुत आसानी होगी। प्रिंट का वीडियो आप देख लीजिए, बहुत अच्छा से आप समझ जाएंगे। यानी कि ये डाटा एक से चार पेज में जा रहा है, मुझे एक पेज में करना है, ये डाटा कट रहा था टोटल, उसको एक पेज में करना है, या एक पेज में छोटा डाटा है उसको उसको फुल करना, तो इसको हम लोग स्केल टू फिट का यूज करेंगे। सबसे पहले विथ हाइट के यहाँ से अभी तो हाइट आप बढ़ा सकते हैं, ठीक ना, देखिएगा बढ़ गया है। अगर आपको मैं आपको प्रीव्यू करके मैं आपको दिखलाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए मैंने ऑटोमेटिक किया हूँ, ठीक है दोस्तों, दोनों ऑटोमेटिक किया, कंट्रोल F2 प्रेस किया, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू। अभी देखिए डाटा आपको शो कर रहा है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ टू पेज पर ले लेता हूँ, थ्री पेज में लिया, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ, अब देखिए यानी डाटा क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। यानी विथ आपको जैसा बढ़ाना है, विथ में बढ़ाना, हाइट में बढ़ाना, आप उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास डाटा ये टोटल कट रहा है, ठीक है, डाटा टोटल यहाँ पर से देखिए टोटल वाला कट जा रहा था, तो आप मोर मोर पेज में भी आकर यहाँ से भी अगर आप परसेंटेज कम कर देते हैं, यानी कि यहाँ से देखिए 95 कर देते हैं और ओके हम लोग करते हैं, तो अब देखिएगा यहाँ पर भी लाइन, देखिए यहाँ पर आगे पहले यहाँ पर लाइन था, अब यहाँ पर ये वाला जो आ गया। आप कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं तो देखिएगा टोटल आपका डाटा यहाँ पर ही आपको आ गया, ठीक है। यानी कि फिट, यानी कि इसको उपयोग कब करेंगे, फिट स्केल टू फिट, यानी कोई डाटा आपका कट रहा है, आप चाहते हैं कि आप चार पेज में जा रहा है एक पेज में कर दें, ठीक ना, तो इसको हम लोग यूज हम लोग करते हैं। अब देखिए डाटा तो यहाँ पर ही आपको हो गया, यानी कि एक पेज में ये पूरा तो कट नहीं रहा, लेकिन नीचे वाला अभी आपको कट रहा है, नीचे वाला आपको आपको डाटा आपको कट नहीं रहा, यानी कि पूरा आपको ओके हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि डाटा आपका पूरा कंप्लीट हो गया, तब इसका उपयोग करेंगे। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आपको डाटा कर देता हूँ 150। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर कर दिया 150, यानी कि 150। अब देखिए डाटा, देखिए आपको जो भी स्किल वो जी जो आपको विथ हाइट हुई बड़ा बड़ा हो गया, ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कहा वो कट गया, ठीक है, यहाँ पर आपको कट गया, तो यहाँ पर आपको रखना है 100, 100 रख रहे हैं, और 100 में देखिए टोटल यहाँ पर निशान, देखिए टोटल यहाँ पर आपको दूसरा पेज में चला जा रहा है, देखिए टोटल नहीं दिखला रहा है, तब इसको हम यहाँ से हम क्या करेंगे, कम कर दीजिए, यहाँ से आप कम कर दीजिए, और फिर आपको F2 कंट्रोल F2 प्रेस करके देखिए डाटा पेज में आ गए, तो इस तब इसका ये हम लोग यूज करते हैं। यानी कि स्केल टू फिट का यूज कब करेंगे, जब आपका डाटा बड़ी है एक पेज में नहीं एडजस्ट हो रहा है, तब उसको ले आएंगे, डाटा कट रही है, चाहे एक पेज में ही डाटा छोटा है, बड़ा करना चाहते हैं तो उसको बड़ा कर सकते हैं, तब स्केल टू फिट का यूज आप कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्केल टू फिट का यूज किस लिए करते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।